कर देना, इसके पापा को नजर ना लगाया करो। पापा को बोल भूल जाते हैं, एक्टिंग भूल जाते हैं। निर्मल गार्मेंट्स, चार नंबर चौक, रामनगर, करनाल, हरियाणा 132001। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 22nd of March, सुबह के बज चुके हैं 9। हम हो आए हैं जिम एंड हैप्पी नवरात्रे एंड हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। हमारा नया साल आज चढ़ा है, जैसे जैसा भी होगा आपको दिखाते रहेंगे जो जो भी होगा आज पूरे दिन में, ठीक है। सबसे पहले कुछ खा पी लेते हैं एंड कटिंग कराने जाएंगे, क्योंकि वाल हो गए ने वड्डे, इन्हू कटाना बहुत जरूरी है, ठीक है गाइज। कटिंग कराया था मैं, नहा धो के रेडी भी हो गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया, अब हम चल रहे हैं मार्केट। मम्मी कहते अब मैं ना ड्रायर मार रहा था, वो बाल जैसे ना पता है ऐसे हो जाते हैं मेरे सूखने के बाद, ऐसे देखा होगा आपने, मैं हाथ मारता रहता हूँ, तो मम्मी कहते ऐसे अच्छे लग रहे हैं। माँ का बस ना चले तो तेल ला के मैं फुल बनावे अगे, और क्या पता कितने अच्छे लगते हैं। हाँ कितने अच्छे लगते हैं, अच्छा थोड़ा लगता है, और क्या, वो बड़ी अच्छी जुल्फे गिर रही होती है। कौन सी जुल्फे? मम्मी यार ये तो ऊपर कर रहे हैं ना, एक हाथ तो फिर इसमें बिजी रह जाता है, ओए होए होए। इसी बिजी रह जाता है, इसीलिए तो ड्रायर मार रहा हूँ कि ऐसे खड़े हो मतलब सेट रहेंगे। एंड गाइज, हम कोई मार्केट में शॉपिंग करने नहीं जा रहे, जो चीजें ली थी उसको ऑल्टर भी तो कराना होता है ना। तुम अगर छोटी हाइट वाले हो तो तुम बढ़िया हो भाई, क्योंकि बड़े के नुकसान भी होते हैं। पहले तो कपड़े मिलते नहीं, मिल जाए तो फिर उसको ऑल्टर कराना पड़ता है। और बड़े के नुकसान और भी हैं, जैसे घर में सिर्फ पंखे साफ करने काम आते हैं हम। और छोटे बड़े हो भाई, तुम काम चोर नहीं होते, तुम्हें कोई काम देता ही नहीं क्योंकि छोटी हाइट तुम्हारी है ना। अब हम चलते हैं मार्केट और लेके आते हैं, कुछ पसंद आ जाएगा तो बाकी ऑल्टर ही कराएंगे। वैसे तो ये देखो मम्मी, हो गए बाल सेट, हो गए बाल सेट। अब मैं हाथ थोड़ी मारता रहूंगा, अगर ये नीचे आते तो मैं मारता। ओके माताओं को क्या पता गाइस, माता तो हो चुकी है बुटियां। इन्होंने कभी होना थोड़ी है। मैंने कहा ऐसा, मैंने कुछ हक ऐसा ऐसा कहा, चल लोए। सही भी नहीं बोल लिया तू। तुम्हारी मम्मी ऐसे बोलते है गाइस, तुम्हें कुछ बोलते हो तो सबकी मम्मियां बोलती हैं। अच्छा यार देखो, हाथ मारने की आदत तो पड़ी हुई है। एक हाथ तो बालों में रह जाता है, अगर तेल लगाओ तो नहीं रहेगा ना, तो चिपके रहेंगे बाल ऐसे ही, तो और ऐसे रहेंगे हल्के फुल्के, जो कोई लट जो ज्यादा वो होगी वो गिरेगी, बाकी पर वो नहीं चाहिए मुझे। चिपका वो मतलब शाइनिंग दिखे कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसे चिपके ना जाए बाल। हाँ ना ऐसे भी चिपकेंगे बस, तो फिर कोई कटोरी भर के लगाना है। बस ठीक है, फिर आप ऑयल लगाओगे, मैं आऊंगा वापस तो मैं भी लगाऊंगी। मैं तो पूरी चंपी करूंगी। ये देखना कहीं पे हाँ ही नहीं कर रही मेरी माता, फोन में बिजी है। बाकी अब मार्केट चलते हैं। क्या बोल रहे हो? अच्छा देख ली थी आपने? और क्या? भैया कह रहे मेरी वीडियो बनाया कर, फेमस होना है। मजा नहीं आया। अपने शॉप का एड्रेस बता दो ना। निर्मल गार्मेंट्स, चार नंबर चौक, रामनगर, करनाल, हरियाणा 132001। गाइज, हम दोपहर को शॉपिंग कर आए थे, मतलब ऑल्टर के लिए जो कपड़े दे रहे थे वो ले आए थे, और भी कुछ ले लिया था। रात के बज चुके हैं 10:30। अपना सारा काम निपटा लिया, व्लॉग बनाना रह गया था बस। हेलो गाइस, अब हम सोच रहे हैं व्लॉग बनाएंगे कि थोड़े से 2-4 मिनट का और। हमने जो शॉपिंग की है वो हमने जाना है अपने गुरुजी के पास। अच्छा, क्योंकि हमें ये लगता है कि वहाँ हम नए कपड़े पहने। आपको लगता है ऐसा? मन की वो है कि हाँ गुरुजी के पास जा रहे हैं तो हाँ। साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े होने चाहिए। अब गुरुजी के जो बेटा बेटी है ना वो भी व्लॉग बनाते हैं, खुशी एंड ग्रीक व्लॉग। आप भी आ जाओ, आप भी तो जा ही रहे हो। ऐसे करना पड़ेगा, दूर थोड़ा पास आ जाना पापा, क्योंकि ये आगे भागेंगे हम, बाद में पीछे चलेंगे ना, इसलिए भी खुशी एंड ग्रीक व्लॉग। मैं उनका डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक भी डाल देता हूँ, उनके 75 सब्सक्राइबर है, थोड़े 2-4 जो भी अच्छे हैं मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो। और उन्होंने भी शॉपिंग का डाला हुआ है ना, वो वृंदावन से लेते हैं कपड़े, जो वो उन 3 दिनों में डालते हैं, जो वो 3 दिन में डालते हैं। अच्छा, उन्होंने डाले वृंदावन से कपड़े लेते हैं, वो जो कुर्ता धोती लेते हैं ना वो वृंदावन से लेते हैं। अगली बार हम जाएंगे ना तो हम भी कपड़े लेके आएंगे वहाँ से। ठीक, वो एक टी शर्ट है ना, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, वैसी लेनी एक तो मैंने। और गाइस हमारी पूरी तैयारी ऑलमोस्ट, बीच में रह गए 2 दिन अब, और वहाँ पर दिव्य दास भी आ रहे हैं, बहुत लंबी होती जा रही है। हाँ, और ये हर साल होता है हमारा, हमारे गुरु जी के वहाँ। और वृंदावन में भी मंदिर है उनका, हम कभी नहीं गए पर सच बताएं तो। हाँ,
बट अगली बार जाएंगे तो जरूर होके आएंगे, है ना? बिल्कुल जाएंगे। और तुम में से भी है क्या कोई जो गोपीनाथ जी महाराज को मानता हो या लाल जी महाराज को मानता हो, तो कमेंट करके जरूर बताना। मेन पता क्या होता है, जो जिन्हें मानता है ऑब्वियस सी बात है वो उससे बात करेगा, कनेक्ट होएगा, और ऐसे ही आगे आगे ग्रुप्स बनते जाते हैं और नेटवर्क बनता जाता है। मिलन, मिलन क्या कहते हैं उसको, मिलन साहब, नहीं नहीं उसको कहते हैं मेल मिलाप, मेल मिलाप होता रहता है। ऐसे बड़ा एक ग्रुप बन जाता है कि अपने धर्म को, अपने गुरु को प्रमोट करना और आगे लेकर जाना। मेन समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो जो जो मानता है। एंड किसने चलना हो हमारे साथ चल पड़ना, किसने कोई मानता है, उन्हीं की पदवियां ही उनकी, उनकी ही मान लो जो शिष्य थे यानी उनकी शिष्यों से ही हमारी वो चली हुई है, पदवी चली हुई है सारी। हाँ मतलब ये हिस्ट्री बता रहे पापा जो जिनको हम मानते हैं उनके बारे में, तो बाकी वो अगर आप मानते हो तो हम बता देंगे वो तो। बोरो प्लस लगाइए फ्री में क्यों ऐड दें, फ्री में क्यों ऐड दें। मम्मी के ना सिर पे चढ़ रही वो आकड़। क्यों दे फ्री में, घमंड घमंड आ गए, घमंड आ गए गाइस, हमें 1000 सब्सक्राइबर होते घमंड आ गया। घमंड वाली बात है ही नहीं है, पॉजिटिव वाला घमंड, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड। हाँ हम फ्री में क्यों करें, फ्री में प्रमोशन आज भैया की कर दिया फ्री में, कोई बात नहीं भाईचारे में कर दी हमने। एंड आपको पता है ये नवरात्रे आज से शुरू हो चुके हैं एंड हम लास्ट के दो रखते हैं। हाँ, नया साल भी आ गया, नया साल हिंदू नव वर्ष आज है हिंदू धर्म का, और 2080 शुरू हो चुका है, और रियल में मतलब इधर जो है जो जो मॉडर्न चल रहा है वो 2023 ही है। हम कितनी आगे हैं, सनातन धर्म कितना आगे चल रहा है, 57 ईयर्स। तो आपको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की शुभकामनाएं। नौ माता के दिन है ये, मैं ना कल मामा कर गया ना, मामा बता रहे कि वो उद्धव से वो खुले हैं ना नवरात्रे खुले हैं उनके। हाँ, 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 हाँ। तो कहते कि मैं कहा फिर सारे रखते हो, कह रहे हाँ वो समाज बोल रहा था इसलिए भूल गया आना, कल काम था मामा को। और कहते है कि ना हम, मैं कहा सारे रखते हो, कह रहे नहीं हम चार रखते हैं एक नहीं रखता। मैं कहा खाता तो वो भी यही होएगा, उसके लिए अलग तो बनता नहीं होगा। कह रहे हाँ। मैं कहा फिर जो वो नवरात्रे वाला खाता है और वो एक्स्ट्रा भी खाता है। मैं कहा तुम्हें सिर्फ माताओं का आशीर्वाद मिलता है, उसको दोनों का मिलता है। मैं कहा फायदे में तो वो रह गया, उस हिसाब से तो फायदे में तो वो रह गया, जो नवरात्रे वाला भी खा रहा है वो भी रख रहा है, बाहर जो नॉर्मल है सबकी पूजा कर रहा है वो भी मिल रहा है। सही है, हम भी वैसे ही है, पर लास्ट के हम दो रखते हैं। एंड उसके बाद जब पूजेंगे, अब वो कब है कंज के, अष्टमी 29 की है, 29 30 को रामनवमी है, 30 को रामनवमी और 31 का महीना है। हाँ। 30 को रामनवमी है ना, और रामनवमी पे भी कुछ स्पेशल होना चाहिए ना, वैसे तो पुड़चे लगाएंगे वो तो अष्टमी पे खाएंगे, कड़ाह भी बनाएंगे वो तो अष्टमी पे खाएंगे पापा, कोई जरूरी नहीं है बड़े, दुनिया नवमी में बना करते हैं सारा, कई लोग अष्टमी पे करते हैं, कई लोग नवमी पे करते हैं, हर किसी का अपना, पर हम अष्टमी पे करते हैं, नवमी पे नहीं करते, अष्टमी पे। बट वो जो है वो कहते हैं रामनवमी पे शोभा यात्रा निकलती है, हमारे यहाँ निकलती ना करनाल में ही निकलती, हम शुरू करेंगे, कथा भी दिखाएंगे बीच में एक आधा दिन चले जाए करेंगे, 26 के बाद। हाँ पर 26 को हम फ्री हो जाए थोड़ा सा। गाइस दो दिन से बुद्धिराजा रोक्स पे भी नहीं वीडियो है, तुम सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि, इसलिए ना मोटिवेशन नहीं मिल रहा, वहां से व्यूज भी नहीं आ रहे, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। हाँ, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है भाई, कोई कहता है ना व्यूज को मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो झूठ बोलता है, बहुत फर्क पड़ता है, झूठ बोलता है। ऑब्वियसली बात है जो उसको व्यूज दिख रहे होंगे, जब सब्सक्राइब्स बढ़ेंगे व्यूज बढ़ेंगे तो नेचुरली है कि मन में होता है कि नहीं मेरे को रोज करना चाहिए, मेरे को डालना चाहिए, बट पहले कोई रिस्पॉन्स ना आए, फिर थोड़ा कंसिस्टेंसी या पेशेंस लेवल ना बड़ा कम सा लगता है कि हाँ गड़बड़ सी है कुछ, दया सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये ब्लॉग बहुत है आज के, कल से और इंटरेस्टिंग बनाया करेंगे, कल हम बाहर निकल जाएंगे शाम को, कल से जो काम है ना सुबह सुबह निपटा लिया करूंगा, रोज कहता हूँ ऐसे वैसे, मैं सुबह अपने 12:30-1 बजे तक उठेगा उसको निपटा लेंगे अपना काम जब भी। गाइस रोस्टिंग हो रही है तो मेरी, कोई बात नहीं, मम्मी पापा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हाँ आप एक दिन में, एक दिन ऐसे तुमने चैलेंज नहीं बताया ना क्या करूँ, चैलेंज ऐसे करें मम्मी पापा मेरे को रोस्ट करें, तो किस दिन पुरानी फोटोज पे रिएक्ट करते हैं ना, कैसे पुरानी फोटोज निकाल लेंगे। हाँ। वो दिखाएंगे। हाँ, उस बताएंगे कि ये कैसा था, ये इस टाइम कौन सा मोमेंट था जब ये कैप्चर हुई थी। ठीक है, चाहे मेरी होगी चाहे दीदी भी साथ होगी, ठीक है डन, ये भी हो गया। चैलेंज करेंगे किस दिन गोलगप्पे खाने का, गोलगप्पे खाने का तीनों, ठीक है। नहीं पापा मोमोज
मोमोस का कर सकते हैं हाँ। वो तो फिर तू और मैं ही खाएंगे। मैं फिर भाग जाऊंगा घर से भी। पापा फिर हार कह रहे घर से भाग जाऊंगा। हार जाएंगे पापा तो नहीं। और चैलेंज मैं पहले हाथ खड़े कर दूंगा भाई। और चैलेंज किस चीज का हो सकता है खाने पीने में? पापा आपको क्या पसंद नहीं है? मुझे सब कुछ पसंद है। समोसे ये नहीं खाते, ब्रेड बोर्ड ये नहीं खाते। नहीं तलो तो मैं भी खाता, बस गोलगप्पे का हो गया। मोमोज का करेंगे हाँ। देखेंगे आपा दोनों कर लेंगे हाँ। और चैलेंज और किसका होता है? उसका होता है घुसुंड मारने का एक दूसरे का। नहीं पिल्लो फाइटिंग भी खेल लेंगे तीनों का भी। प्रैंक करना है मेरे को। प्रैंक मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मेरे मम्मी पापा भी ना है भी छोटे दिल के। मैं कुछ बोलूंगा वो रोने लग जाएंगे। पहले तो रोने लग जाएंगे फिर या फिर कहेंगे निकल दे बाहर तूने करा कैसे ये वो फिर गालियां पड़ने से अच्छा थोड़ा सा डर है प्रैंक में तो इसलिए। बट अब बता दिया तो फिर वो प्रैंक लगेगा नहीं हाँ। तो इसलिए कभी बताना नहीं था ना यार। गैप में ही लूंगा ना ये थोड़ी कल ही कर दूंगा। नहीं वो तो 15-20 दिन बाद जब भूल जाएंगे देखो ये भी पता है कितने दिन बाद भूल लेंगे तो बस व्लॉग को पापा पे करेंगे। सबसे पहले पापा पे करेंगे कैसा वाला भगदड़ में आएंगे बाइक पे फिर ये भी तो है ना हाँ। फिर इस चीज का डर लगता थोड़ा सा। सरप्राइज दें घर आके कुछ। तो गाइस व्लॉग हम बहुत खींच चुके हैं। आई होप अच्छा लगा। हम ऐसे बातें भी किया करेंगे कभी कभी। हम ऐसे बातें भी किया करेंगे पुरानी छेड़ा करेंगे पुरानी बातें। और व्लॉग अच्छा लगा रहा हो तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। इसके पापा को नजर ना लगाया करो पापा को बोल भूल जाते हैं। एक्टिंग भूल जाते हैं। पहले कहते भाई सही बड़ी सही एक्टिंग करते हैं उसके बाद से ना एक्टिंग भूल गए हैं। पापा ऐसे नजर कैसे लगती है? अब नमक वारो अपने ऊपर से। एक धड़ी नमक लाओ एक धड़ी बस ऐसा करो कट्टा लाओ नमक कट्टा लाओ तीनों पे वार के लगा के यही करना पड़ेगा। तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।